इस वजह से वो लोग जो कुछ थोड़ा बहुत नेक काम कर भी रहे हैं उनकी कोशिशें भी दब हाँ, के वो रह कहते हैं जाती क्या हैं। फ़ायदा, मतलब जब अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है कोई किसी एफर्ट को। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जज्बे की बात हो रही थी, जज्बा तो अब वो बात ही नहीं है, हर बंदा बहुत, आपको नहीं लगता मटीरियलिस्टिक हो गया है? कहाँ से ला सकते हैं हम ये जज्बा, कयादत, क़यादत? ये तो कयादत का काम होता है। अभी भी देखिए वो क्या था कि कायद आजम तकरीर कर रहे हैं अंग्रेजी में, सही, लोग जाहिल मगर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं लाखों की तादाद में, सही, हजारों की तादाद में। सही, वो कह रहे हैं ये पता नहीं कि कायद क्या कह रहे हैं, सही, लेकिन ये यकीन है कि जो कह रहा है वो ठीक सही कह कह रहा रहा है। है। तो अपनी कयादत पे अगर इस दर्जा ईमान और यकीन हो, और यकीन क्यों ना हो, जब लियाकत अली खान का इंतकाल हुआ, जब उनको पिंडी में उनको शहीद किया गया, जी तो उनकी जेब से क्या निकला? फटे हुए मोजे थे उनके पाँव में देखो, और जेब में चंद सिक्के थे। तो क़यादत अगर ऐसी होगी तो फिर लोग उन पे उनके समझिए उनकी हर हुक्म की तामील करेंगे। सही, लेकिन अगर क़यादत खुद किरदार के हिसाब से वो मिसाल और वो मायार कायम ना कर सके जिसके बगैर कौमें बनती नहीं है। नेल्सन मंडेला 26-27 साल अंग्रेजों की जेल में रहे, उसने समझिए कि ये नस्ल परस्ती के खिलाफ उसने जिहाद किया कि सिया फाम शख्स, और आज वो मैं समझता हूँ कि नेल्सन मंडेला गालिबन सबसे बड़ा इंसान है जो कि जिंदा है। सही, तो उसमें यह था कि ये कौमों की तामीर और तश्कील जो है ये तो क़यादत का काम होता है। अब आजकल जो हमारी क़यादत है आप उस पर नज़र दौड़ा के देख लीजिए, उनमें से आपको कितने कायदीन ऐसे नज़र आते हैं जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम ना लगा सकें जी कि खुदगर्ज़ हैं, बेईमान हैं, और अरबों के खरबों के असासे उनके पास हैं जो कि मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर हैं। सही, ठीक है। यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो सलामकुम, हेलो सलामकुम जमील बात बोल रहा हूँ आरीवाला से, जी, खैरियत क्या है? हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से अच्छा देर पैसा से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ जी, जरूर कि ये हेलो जी, जरूर बोलिए, सुन रहे हैं। जैसा सामने वालेकुम अस्सलाम। जैसा मेरा ये क्वेश्चन आपसे कि जब बैरोक्रेसी होती है पंजाब या चारों सूबों में, अगर ये अपना मामला दुरुस्त कर लें तो क्या ख्याल है, अभी आप जो मिसाइल बढ़ते हैं उन पर काबू पाया जा सकता है? क्योंकि जब बैरोक्रेसी ठीक होगी तो मेरा ख्याल निजाम ठीक हो जाएगा। निजाम खराब करने में बैरोक्रेसी का भरपूर किरदार होता है, इस वाले को थोड़ा सा बता दें नहीं, मैं देखिए, जी। बहुत शुक्रिया, मैंने अर्ज़ किया था ये कि ब्यूरोक्रेसी हमारे कौम का आईना होती है, जैसी हमारी कौम होगी वैसी ब्यूरोक्रेसी होगी। मैंने पहले ये भी अर्ज़ किया था कि जब पाकिस्तान मारे वजूद में आया तो हमारे दफातर में मेज़ कुर्सियाँ नहीं होती थी, स्टेशनरी नहीं होती थी, पिने नहीं होती थी, लिखने पढ़ने के लिए कलम नहीं होते थे। लेकिन जज्बा उसके था, बगैर भी लोगों ने काम चलाया सही, क्योंकि उस वक्त पूरी कौम एक जज्बे से सरशार थी, और वो था जज्बाए तामीर वतन, तामीर मिल्लत। अब कौम इस किस्म के जज्बे से महरूम है। तो उसमें यह था कि ब्यूरोक्रेसी को आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक मान लीजिए एक समंदर है जिसमें समंदर में बेइत्मीनानी है, बदउनवानी है, बेईमानी है, दगा है, फरेब है, उसमें आप छोटे छोटे जजीरे को इस किस्म के तलाश कर लें जहाँ दयानत भी हो, शराफत भी हो, हुबुल वतनी भी हो और फर्ज शनासी भी हो। ये नहीं होता है क़िबला, ये तो ये होता है कि आप इस्लाह करें, मैं अपनी इस्लाह करूं, आप अपनी इस्लाह करें, हर कोई अपनी जगह पे इस्लाह करे, और जब वो ये समझ ले कि काम पूरा हो गया तो फिर ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है कि वो कोई गलत काम कर सही, सके। ठीक। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा कि सियासी अमूर में क्या अमल दखल होता है ब्यूरोक्रेसी का? सियासी अमूर में कोई अमल दखल होना चाहिए नहीं और ना होता अच्छा है। वो उसमें ये है कि मैं जैसे आपसे क्या, सिर्फ पॉलिसी फॉर्मूलेशन में अगर सियासतदानों को ज़रूरत हो उनकी मशावरत की तो मशावरत कर सकते हैं कि भाई इस इशू पे मान लीजिए कि फैमिली प्लानिंग है या ये कि कोई भी इशू है कि सही, उस पे पहले क्या हुकूमत की हिकमत अमली रही है, क्या पॉलिसीज रही हैं, क्या प्रेसिडेंट्स हैं, कायदा कानून क्या है, ताकि उनकी बेसिस पे उनको पेश नज़र रख के एक नई सही, पॉलिसी मुरतब की जा सही, सके। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि मुख्तलिफ मुल्क के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनमें करप्शन की क्या वजूहत है, और क्या इसकी वजह कहीं ब्यूरोक्रेसी तो नहीं है? अरे नहीं भाई, देखिए ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैं ऐसा करूँ आपसे कि वो एक शेर किसी का है कि ये नाहक हम मोहताजों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया। वाह वाह,
यानी बिना वजह में बदनामी हो रही है, ऐसा है। देखिए मैं बात बात ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी शोरफा मतलब कि फरिश्तों में मबनी है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में उतने ही नेक और उतने ही बदनाम और उतने ही बेईमान लोग मौजूद हैं जितने हमारी कौम के बाकी हिस्सों में हैं। तो ये तवक्को रखना कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी दयानतदार हो जाए बाकी और कोई दयानतदार ना, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम एक और कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अयूब? बस सही है मैडम, आपके क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से अल्लाह का शुक्र है। जी कहिएगा। जी मैडम, मैं ये बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, मैं ये मौके से फायदा उठा के इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि आवाम से ब्यूरोक्रेसी होती है, मैं कह रहा हूँ सारी पॉलिसी तो ब्यूरोक्रेट बनाते, ब्यूरोक्रेट आवाम को बनाते। आप ये देखिए कि जितने भी ये इतना बड़ा केस जारी ये डिग्री स्टेक होल्डर आ रहे, ये अगर ब्यूरोक्रेसी सही होती तो क्या ऐसा तालीमी निजाम होता हमारे पास? क्या इतनी बेरोजगारी होती? क्या ये इतने बदमाश और ये पॉलिटिशियन यहाँ आ सकते थे? ये सारे ब्यूरोक्रेट, आप देखें कि जितने ब्यूरोक्रेट ने पैसा बनाया है, मेरे ख्याल में अगर इनको सबको पकड़ा जाए तो पाकिस्तान के कर्जे उतर जाए और बल्कि अगले 50 साल के लिए पाकिस्तान के पास इतना पैसा हो जाए कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगी। क्योंकि सारे वादे हैं कि जितना करप्शन पाकिस्तान में होता है वो दुनिया भर में नहीं होता। उस रेशियो से अगर आप पैसा जोड़े तो आप देखें कि आपके पास 50 साल के लिए आपके पास एक्सेस पैसा आ जाए। ठीक है, थैंक यू। ये पब्लिक कह रही है। अरे वो तो मैंने कहा आप ना, सोचे कि नहीं, मैंने अर्ज किया था पहले भी, मैंने अर्ज किया था उसमें। पहली बात तो ये कि जो जाली डिग्रियों की उन्होंने बात की, जाली डिग्री का ख्याल आया किसके दिमाग में? जी ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में या सियासतदानों के दिमाग में? सही। और जाली डिग्री पे झूठ बोला किसने तहरीरी तौर पर? सियासतदानों ने या ब्यूरोक्रेट्स ने? उसके बाद फिर ये था कि जब वो एक वबा आम हो गई तो उसमें मैंने ये कहा था आपको कि आप ये भूल जाइए कि बाकी लोग तो सब बेईमानी पे तुले रहें, हर किस्म बेईमानी नाजाबाजी और बेकायदगी करते रहें, और मैं ब्यूरोक्रेट्स दयानतदार और शरीफ तबाह हो जाइए, ये नहीं होगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। जैसे आप होंगे वैसे ब्यूरोक्रेट्स होंगे। अगर इंसान है आप, नहीं वो इंसान नहीं है। मैं तो बार बार मैं कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी कौमी किरदार का आईना है। जैसे मैंने पहले कहा कि शुरू में क्यों ब्यूरोक्रेट्स बेईमान नहीं थे? बेईमानी का आगाज कहाँ से हुआ? बेईमानी का आगाज किसने किया? ब्यूरोक्रेट्स ने तो नहीं किया था, ब्यूरोक्रेट्स ने ये तो कौम ने शुरू किया। मतरूका इमलाक के गलत अलॉटमेंट से बेईमानी का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद ये बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर जब ब्यूरोक्रेट्स ने ये देखा कि हमारे नाम पे हमारे जरियों से लोग बेईमानी करके मालदार हो रहे हैं तो इस बहती गंगा में हम क्यों ना हाथ धो लें, उन्होंने भी बेईमानी शुरू कर दी। तो ये मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कि मैं इससे कभी भी इत्तफाक नहीं कर सकता कि करप्शन की जिम्मेदारी महज ब्यूरोक्रेसी पे है, ऐसा नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए कि माशरे का कौन सा तबका है जो जो करप्शन से मुबर्रा है? कौन सा तबका है? एक किसी एक तबके का नाम तो बताइए। अच्छा ये बताएं, ये जो मुल्की इदारे हैं ये अपनी आईनी हदूद में रह के काम क्यों नहीं करते? काश ऐसा होता। और मैं ये समझता हूँ इसके मुताबिक, देखिए वज़ीर आज़म कुछ दिनों से कह रहे हैं ये कि अब ये जमहूरियत हमारे मुल्क में नई नई आई है, क्योंकि इससे पहले डिक्टेटरशिप वगैरह रही, क्या हुआ क्या ना हुआ। तो अब उसमें ये था कि और जमहूरियत के लाने में मैं समझता हूँ मुख्तलिफ इदारों का बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा है, सिविल सोसाइटी का रहा, मीडिया का रहा और इसमें जुडिशरी का रहा। तो अब उसमें था कि मुख्तलिफ इदारे जो हैं रियासत के, उनको अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो कौन सी रेड लाइन है जो उनको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो ये रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर ये निज़ाम चलता रहा तो तमाम इदारे रफ्ता रफ्ता अपने कयूद में जो दस्तूर में प्रोवाइडेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देंगे। और ये जो आप कह रही हैं कि अपने हद से बाहर निकल के काम करना शुरू कर देते हैं, खुदा करे कि इसे जल्दी ये इसे निजात कौम को मिल जाए और रियासत के तमाम इदारे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, मीडिया हो या जुडिशरी हो, अपने दस्तूर में प्रोवाइडेड हद के अंदर रह के काम करना सीखें और काम करना शुरू करें। जावेद कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि जो सियासतदान हैं ये ब्यूरोक्रेसी को भी अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? इसको भी सियासतदान ही रोक सकते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी नहीं रोक सकते इसको। देखिए उसमें ये था कि पोलिटिकल बॉसेस होते हैं, उनके इख्तियार सारा उनके पास होता है। अब मुझे आप ये बताइए कि पंजाब में, पंजाब की हुकूमत में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी है?